अखिलेश यादव के खिलाफ महिला आयोग ने की शिकायत, नुपुर शर्मा पर किया था ट्वीट। बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से शिकायत की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एक ट्वीट किया था, जिस पर महिला आयोग ने ये कार्रवाई की है। महिला आयोग ने शिकायत में लिखा है, आयोग ने अखिलेश यादव का श्रीमती नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत और बुरी भावना भड़काने वाला और दो धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक अशांति बढ़ाने वाला ट्वीट देखा, जो निंदनीय है। आयोग ने प्राथमिक तौर पर पाया है कि इस मामले में ये धाराएं लगाई जा सकती है। आपराधिक इरादे, महिला की मॉडेस्टी के अपमान के इरादे से कही गई बात, हाव भाव या कोई काम करना और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, आयोग ने कहा है कि इस मामले में की गई विस्तृत कार्रवाई को लेकर 3 दिनों में आयोग को सूचित किया जाए। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की खबर ट्वीट करते हुए लिखा था, सिर्फ मुख से नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस ट्वीट पर लिखा, इस शख्स को देखो जो खुद को एक पार्टी का नेता कहते हैं, ये नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यूपी पुलिस को लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध करती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की इस शिकायत पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर लिखते हैं, अचानक महिला आयोग जागृत और राष्ट्रपति का चुनाव और अखिलेश यादव जी, आपको ईडी का संदेश मिलने वाला है, बहुत बहुत बधाई। एक और यूजर ने लिखा, दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में यही महिला आयोग मौन व्रत धारण कर लेता है। एक और यूजर लिखते हैं, जब बलात्कार होता है तो महिला आयोग के मुंह में फेविकोल लग जाता है। एक और यूजर ने कहा, सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी सिवाय नुपुर शर्मा के, हाय रे न्याय जी। एक और यूजर ने कहा, अच्छा काम करा महिला आयोग ने। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।